गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ईएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर, जो आज विलियन चैप्टर से संबंधित वास्तव के अनुमान पर आधारित हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, और उस न्यूमेरिकल में जो एक न्यूमेरिकल मैथ के ही वीडियो में बन गया है, जो उस न्यूमेरिकल को आप लोग बना लीजिएगा कि जो वीडियो आप मैथ का बना रहे थे उस वीडियो में कंबाइन होकर मैं हमारा केमिस्ट्री एक न्यूमेरिकल चला गया है, इसलिए आप उसको वहीं पर बना लीजिएगा। ओके, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से बनाने स्टार्ट करते हैं। ओके, ये फार्मूला है वास्तव के अनुमान से संबंधित फार्मूला 3 है। ए पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट इक्वल एक्स विले, मतलब विले का मोल लेंस, इसको बैठा है ए आया हम इसी के बेसिस पर जाता, अगर ए याद रहेगा सब बन जाएगा। ओके, चलिए तो एक और न्यूमेरिकल आप लोगों को, दो तीन न्यूमेरिकल दे रहे हैं आप लोगों को, जो इसके बेसिस पर हम लोग क्या करना है, बनाना है। ओके, तो इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल को हम लोग क्या करना है, बनाना है। बोला है क्वेश्चन कि सूर्य जल का वास्तव बीस डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वास्तव, शुद्ध जल का वास्तव 17.54 mm है। ओके, क्लियर है। जब है, जब 20 ग्राम जब 20 ग्राम कोई अवाष्पशील, कोई अवाष्पशील अवाष्पशील विले को 100 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो विलयन के वास्तव में 0.30 mm की कमी हो जाती है, या कि अवनमन हो जाता है तो विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए क्लियर समझिए फिर से एक बार कि 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का ताप कितना दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस, और याद रखिएगा बाबू कि इस फॉर्मूला में हम लोग का ताप का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं वास्तव पर शुद्ध जल का वास्तव 17.54 mm। आगे पढ़ लीजिए, जब 20 ग्राम कोई अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो विलयन के वास्तव में इतना की कमी हो जाती है। नया क्वेश्चन, तो वास्तव में 0.3 mm की mm की अवनमन हो जाता है, तो विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या करें, ज्ञात करें। ओके, तो बोले 20 डिग्री इतना हो गया। अब इसमें सबसे पहले समझना है कि हम लोग का कि विलेय विलायक कौन है, तो विलेय और यहाँ पर समझना है विलायक। पहले समझिएगा कि विलेय विलायक का पहचान कैसे होता है, कि जिसकी मात्रा
ज्यादा होता है उसको विलाय बोलते हैं, जिसकी मात्रा कम होगा उसको विलय बोलते हैं। ये दोनों मात्रा में कौन है? अवस्थिल विलय, हम अवस्थिल जो हो जाएगा ना, अवस्थिल वो विलय का काम करेगा और ये जो होगा विलाय का काम करेगा। कौन विलाय काम कौन करेगा? जल। ओके, तो याद रखिएगा छोटा डब्लू कितना है, तो छोटा डब्लू हम लोग कितना है बाबू, 20 ग्राम है। अब बड़ा डब्लू कितना है, 100 ग्राम है। ओके, अच्छा विलय का, तो छोटा एम बराबर वाट विलय का अणु भार ज्ञात करना है, और विलय बड़ा एम का, बड़ा एम का काम जल कर रहा है, तो जल के लिए आप निकालिए तो 18 हो जाएगा ना ये। अब देखिएगा शुद्ध जल, तो जल बोला गया है ना, तब मतलब दो ही वास्तव निकलता है, जहां जो विलायक होगा उसके वास्ते आपको पीनट बोलते हैं, और जो विलियन होगा, विलियन जो हम लोग का विलियन बनेगा, क्या बनेगा विलियन, उसके वास्ते आपको हम क्या मानते हैं, पीएस मानते हैं, क्या मानते हैं पीएस। विलियन का वास्ते पीएस होता है, विलाय का वास्ते कहते हैं पीनट होता है। तो जल तो हमारा विलाय का काम कर ये रहा है, तो जल का वास्ते दे दिया है, तो हमारा पीनट बनाएगा, क्या बनाएगा पीनट। तो पीनट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पीनट का वैल्यू जो 17 कितना है, 5.4 ml। अच्छा अब बोला है कि पीएस, तो बताया गया है कि जब किसी विलायक में कोई अवस्थिल विलय को घोला जाता है तो उसमें जो कमी होता है उसको विलयन का वास्ता बोलते हैं, ठीक है। तो पी बराबर पीएस बराबर क्या हो जाएगा, अनशुद्ध विलाय का वास्ता हम लोग कितना है बाबू, तो विलयन का वास्ता इतना की कमी हो जाता है, तो कितना होगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा 17.54 में है ना, हम लोग को 0.30 को क्या करना है, घटा देना है। तो पीएस इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, तो पीएस इक्वल हम लोग का कितना हो जाएगा, घटाएंगे 17.24, 17 कितना हो जाएगा बाबू, 2.4 हम लोग का हो जाएगा, क्लियर है। 17 कितना हो जाएगा, 2.4, इतना एमएम हम लोग का यहाँ हो गया, क्लियर है। अब हम लोग फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाई फार्मूला, या फार्मूला बनाएंगे। अनमन का मतलब होता है कमी, अनमन का अर्थ क्या होता है, कमी। ओके, फार्मूला होता है पीनट माइनस पीएस बटा में क्या बन जाएगा, पीनट इक्वल यहाँ छोटा डब्लू इंटू बड़ा एम, और यहाँ बड़ा डब्लू इंटू छोटा एम, क्लियर है। तो पीनट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17.54 माइनस पीएस का 17.24, अब बटा में कितना हो जाएगा पीनट, तो पीनट 17.54 बराबर कितना हो जाए, छोटा डब्ल्यू का मान 10-20 है, अब बड़ा एम 18 है, नीचे बड़ा डब्ल्यू 100 हो जाएगा और नीचे छोटा है, क्लियर है। यहाँ जब हल करेंगे देखिएगा, अब इसको क्या कीजिए, घटाया जाए ना बाबू, क्या करेंगे हम लोग जब घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो 0.30 बटा में 17.54 बराबर 20/6 तो 18 बटा कितना हो जाएगा, 5 ml हो जाएगा, 18/5 ml, क्लियर है ना। अब आगे देखिएगा, दशमलव हट जाएगा तो 30 कितना हो जाएगा, 17.54 बराबर ऊपर 18 कितना हो जाएगा, 5 ml हो जाएगा। हल किया जाए तो 5×15=150 ml गुने 18×1754। ओके, तो एम इक्वल जब निकालेंगे तो कितना बार में कट जाएगा बाबू, 18×1754 बटा में 150। अब इसको क्या कर दिया जाए, इसका भागा दे दिया जाए। ओके, जब इसका हम भागा देंगे तो भागा देने के बाद इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 210 हम लोग कितना हो जाएगा, 4 8, इसका आंसर हो गया। तो यही हुआ कि तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि विल और विलायक के, विलायक और विलयन के वास्ते आपको पहचानना होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो विलायक का वास्ता होता है उसको पीनट मानते हैं, और जो विलयन का वास्ता होता है उसको पीएस मानते हैं। उसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको विल और विलायक को पहचानना पड़ेगा। ओके, और ऐसे बड़ा है, ठीक है, इसके बेसिस पर और क्वेश्चन दे रहे हैं, घबराना नहीं है। इसके बेसिस पर एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि किसी नियत ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प 640 mm है जब 2.175 ग्राम अवस्थित विलेय पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प 600 mm हो जाता है तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या कहलाते जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर आप लोगों को बता रहे हैं बाबू कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल बनाइएगा तो सबसे पहले विल और विलाय को पहचाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि विल और विलाय का पहचान ग्राम वाले से पता चलता है, किससे पता चलता है ग्राम, तो इसका ग्राम कितना है 2 है कुछ है और इसका 39 है। तो याद देखिए पदार्थ हमारा क्या कहा रहेगा, विलय का काम करेगा ना, पदार्थ जो होगा विलय का काम करेगा और जो बेंजीन होगा वो किसका काम करेगा, विलाय का। बेंजीन जो होगा किसका काम करेगा हम लोग का, विलाय का। तो कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले विल और विलाय को पहचानना होगा। याद रखिएगा छोटा डब्लू कितना हो जाएगा 2.175 ग्राम, क्लियर है। बड़ा डब्लू कितना हो जाएगा 39 ग्राम, कन्फर्म है। उसके बाद याद रखना होगा छोटा एम का, छोटा एम को हम लोग को निकालेंगे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, तो पदार्थ हम लोग का विलय है तो विलय के दरमियान को एम आते हैं, ओके, तो एम हो जाएगा। अब 12 एम का काम कौन करेगा, हाँ बेंजीन करेगा। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, जब इसको कैलकुलेटेड करिए तो आपका आ जाएगा 78 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 78, चलिए कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, ओके। अच्छा अब इसके बाद याद रखना होगा कि पी नट और पी एस को पहचानना होगा। पी नट याद रखिएगा कि बेंजीन जो है हम लोग का विलायक है, तो विलायक के लिए पी नट हो जाएगा, तो पी नट शुद्ध बेंजीन का वास्ता कितना 640 mm है, अब बाकी जो होगा विलयन का हो जाएगा 600 mm। अब इसको क्या करेंगे, फार्मूला पर बैठा देंगे ना, तो लिखेंगे बाई फार्मूला। तो जब बाई फार्मूला का बात करेंगे तो पी नट माइनस पी एस बटा में क्या होगा, पी नट इक्वल छोटा डब्लू इंटू बारह एम बटा में बारह डब्लू इंटू छोटा एम, तब पीनट का मान 640 माइनस 600 बटा में 640 ये कितना होगा, छोटा डब्लू कितना होगा 2.175 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 एम का, 12 एम का मान 78 है ना बाबू, 12 एम का वैल्यू कितना है 78, अरे 12 डब्लू है 39 गुने कितना हो जाएगा, तो 39 गुने कितना आएगा छोटा एम, हल किया जाए तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे का होगा 640, ऊपर 40 नीचे 640, ओके। और ऊपर कितना 39 गुने की 78 गुना कर दिया जाए ना, बस 5 × 10 के 0, 7 × 14 15 के 5, 2 × 1 3, 2 × 2 = 4, 4 पॉइंट कितना होगा 3 × 5 = 0, बाई कितना होगा छोटा एम, 0 से 0 कट जाएगा 16 × 4 = 64, 1/16 इक्वल 4.350 बाई का हो जाएगा एम, ओके। एम इक्वल कर लिया जाएगा तो 16 × 4.350 गुना करने आता है ना बाबू, तो कितना आएगा 0 16 × 5 = 80 और 16 × 48 = 8, 56 × 6 हासिल 5 और 16 × 4 = 5 = 69, कम के बाद 10 बाबू तीन अंक के बाद, 3 अंक के बाद 10 करेंगे तो एम इक्वल 69.6 हो जाएगा ना, इसको अप्रोक्स में कितना मान सकते हैं 70। तो जो विलय पदार्थ जो हमारा घुला हुआ है उसकी मात्रा कितना है, तो विलय पदार्थ की जो मात्रा हम लोग का है कितना ग्राम है बाबू 70 है। आइयो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग का करना है, हल करना है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, बनाना है। इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन का हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग का 5 है कि 373 केल्विन ताप पर ग्लूकोज का वास्ता 750 mm है, 373 केल्विन ताप पर ग्लूकोज का वास्ता 750 mm है तो विलयन, तो विलय का मोल अंश ज्ञात करें, तो विलय का मूल अंश ज्ञात करें जबकि 373 केल्विन पर जल का वास्तव 760 mm होता है। तो एक नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग एग्जाम में देता है, याद रखिए बाबू कि जब मान लो यहाँ ताप हो गया है और यहाँ दाब हो गया वास्तव,
और यहाँ हो गया पदार्थ, हो गया विलायक। जल के लिए आप एक विलायक जल है, ताप कितना है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। इसको आगे चैप्टर में अच्छा तरीके समझाएंगे। वाष्प दाब 760 mm या 76 सेंटीमीटर। याद रखिए, ये नोट में आपको याद रखना होगा कि कोई पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब 760 mm या 76 सेंटीमीटर। केल्विन में पूछेगा चाहे सेंटीमीटर में पूछेगा, दोनों का है ताप, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो बोला है 373 केल्विन पर, केल्विन ताप पर, केल्विन ताप पर ग्लूकोज का वाष्प दाब 750 mm है, तो विलेय का मोल क्या करें ज्ञात करें। जब जल का दे दिया, जल हमारा विलायक है, जल हमेशा विलायक का काम करता है, विलेय का कभी काम करता नहीं। ओके, तो याद रखिएगा पीनट, तो पीनट का वैल्यू कितना होगा 760 mm हो जाएगा ना बाबू। अब पीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, पीएस का वैल्यू 750 है ना, हम लोग का मोल अंश निकालना है किसका, विलेय का मोल अंश बराबर होगा। तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला ना, तो क्या लिखेंगे भाई फॉर्मूला, तो देखिएगा पीनट माइनस पीएस बटा में क्या बन जाएगा, पीनट इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स विलेय बन जाएगा। तो देखिएगा पीनट का वैल्यू 760 और 750 बटा में 760 बराबर एक्स विलेय, या घटाएंगे 10 हो जाएगा और नीचे 760 इक्वल एक्स विलेय, और यहाँ कटेगा 1/76 इक्वल एक्स विलेय, इसलिए एक्स विलेय इक्वल यहाँ जब भागा दिया जाएगा, क्या किया जाएगा इसके, इसको जब हम भागा देंगे तो जो वैल्यू आएगा हम लोग का 0.013 mm, इसका यूनिट नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर का हुआ 5 हो गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप के आप लोग क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है ना, सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको हल करना हो। ओके, चलिए तो देख लिए, तो याद रखिए एक नोट याद रखना, कोई पूछेगा कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो जल के लिए उबलने के लिए हर एक पदार्थ को उबलने के लिए अलग अलग ताप होता है, तो जल के लिए कितना होता है, तो जल का जब ताप 100 डिग्री सेल्सियस देंगे या 373 केल्विन देंगे, तो हम लोग का जो जल होगा वाष्प में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 6 का, छठा क्वेश्चन। एनिलीन के ईथर में, एनिलीन के ईथर में, एनिलीन के ईथर में 1% विलयन, 1% विलयन का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, आपेक्षिक अवनमन 0.007 पाया गया एनिलीन के आणविक द्रव्यमान, एनिलीन के आणविक द्रव्यमान की गणना करें, एनिलीन का हम लोग का ज्ञात कर रहे हैं, आणविक द्रव्यमान का करें हम लोग को ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो एनिलीन का हम लोग का आणविक द्रव्यमान का करना है, हम लोग का ज्ञात करना है। ओके, तो बोला है कि देखिएगा, बोला गया यहां पर कि एनिलीन के ईथर में, एनिलीन के क्या है ईथर में
1% विलयन का आपेक्षिक हार्मोन है, मतलब एनिलिन जो है किसमें घुला हुआ है, ईथर में। एनिलिन जो घुला हुआ है किसमें घुला हुआ है, ईथर में। और वो बताएं कि प्रतिशत वाले जब भी क्वेश्चन का बात करते हैं तो 1% का मतलब क्या समझना चाहते हैं, 1/100, और इसका मतलब ये हुआ कि छोटा डब्लू हम लोग का 1 ग्राम और बड़ा डब्लू कौन हो जाएगा, 99 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या देखे अपेक्षिक अनुमान, तो अपेक्षिक अनुमान कितना, पीनट माइनस पी ए बराबर पीनट को हम लोग अपेक्षिक अनुमान बोलते हैं, कितना पाएगा 0.00007 पाएंगे, ये अपेक्षिक अनुमान हो गया। ठीक है, और उसके बाद बोला गया कि एनिलिन के आणविक द्रव्यमान की गणना करें, तो एनिलिन मतलब एनिलिन तो घुल रहा है तो छोटा एन हम लोग का हो जाएगा, और 12 एन का जो काम करेगा ईथर, ईथर का फॉर्मूला कौन है, ईथर का फॉर्मूला C2H5O C2H5, ईथर का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। कोई पूछेगा ईथर का सूत्र क्या होता है, C2H5O C2H5, तो यहाँ निकालिएगा तो कार्बन का 12 × 2 + 5, ऑक्सीजन का 16 × 12 × 2 + 1 × 5, 1 × हल किया जाए 12 × 24 + 5 16 × 12 × 24 + 5 तो कितना हो जाएगा 24 × 24 = 48, 24 × 24 = 48 = 64, 24 × 24 = 48 = 10 = 58, 74 हो जाएगा। ओके, तब लिखेगा बाई फार्मूला पीनट माइनस पीएस इक्वल बाई पीनट इक्वल, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या होता है बाबू, छोटा डब्लू इंटू बड़ा एन, और यहाँ बड़ा डब्लू इंटू छोटा एन। क्लियर है? तो क्या पीनट का वैल्यू, इसका पूरा वैल्यू निकल 0.007 है, और छोटा डब्लू कितना है, तो छोटा डब्लू का जो वैल्यू 1 है इंटू 12 एन 1, अब 12 एन का वैल्यू 74 है, बटा में 12 W कितना है, तो 12 W का जो वैल्यू है 99 है, आगे छोटा एन कितना है, छोटा एन को निकालना है। अब हल किया जाए तो छोटा एन जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी 9 × 7 = 63 और 9 × 7 = 64 65 66 67 68 69, तो 69 हो जाएगा ना, कौन के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव ना, इक्वल 74 हो जाएगा। एम निकालेंगे तो 74/0.693, अगर डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड करने के बाद जो इसका वैल्यू जो हम लोग का आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 106 पॉइंट, डिवाइड करके देख लीजिएगा बाबू, 106 पॉइंट हम लोग का आएगा 7, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है। ओके, दो क्वेश्चन और बता रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, 7 क्वेश्चन बोला जा रहा है यहां पर कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 75 ग्राम एसीटोन, 75 ग्राम एसीटोन में 10 ग्राम एक दस ग्राम एक अवशिष्ट पदार्थ घुला हुआ है, पदार्थ का अणुभार 125 है, तो शुद्ध एसीटोन का 25 डिग्री सेल्सियस
25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प दाब 292.2 mm है। तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, तो विलयन का वाष्प दाब का क्या हम लोग ज्ञात करना है। ओके चल, फिर वही बात की 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 75 ग्राम एसीटोन में 10 ग्राम एक ऑस्टिल पदार्थ घुला हुआ है। आप लोग खुद पता चल गया हो यहाँ पर कि कौन विलय है और कौन विलायक है। तो विलायक का काम कौन के विलायक एसीटोन है ना बाबू, विलायक का जो काम करेगा वो एसीटोन है और विलय का जो काम करेगा वो कौन है अवास्टिल है। विलय जो होगा वो पदार्थ है, विलय जो है वो क्या है पदार्थ है। तो याद रखिएगा, तो विलय की मात्रा छोटा डब्लू 10 ग्राम, विलायक की मात्रा बड़ा डब्लू 75 ग्राम, ठीक है दोनों कन्फर्म हो गया। याद रखिएगा कि जो विलायक होगा उसका वाष्प दाब पीनट होता है, जो विलायक होता है उसका वाष्प दाब कहाँ तक पीनट होता है। तो याद रखिए पीनट दे दिया है शुद्ध एसीटोन, एसीटोन है ना आप लोग का विलायक है, तो वाष्प दाब कितना इसका दे दिया है, तो 292 पॉइंट कितना है 2 mm है, 2 mm। अच्छा अब बोला गया कि विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, तो विलयन का वाष्प दाब मतलब पीएच होता है तो जानते करते होंगे, छोटा एम तो छोटा एम हम लोग का कितना है, तो दिया पदार्थ का अणु भार 125 दे दिया है। और याद रखिएगा एसीटोन, एसीटोन का सूत्र CH3 COCH3 होता है, एसीटोन है क्या है बाबू एसीटोन, याद रखिएगा बाबू यहाँ पर ध्यान देना है। देखिएगा तो CH3 तो कार्बन का 12 गुने, कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 × 3, कार्बन का 12 + 16 प्लस फिर 12 + 1 × 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 12 + 3 + 12 + 16 + 12 + 3, क्लियर है। तो याद रखिएगा 12 × 12 = 24 बत्तियां हैं 36, अब बचो 48 × 4 = 52, 52 × 3 = 55, 55 × 3 = 58, इसका हम लोग का कितना आ जाएगा 58। और फिर जो लिए 12 × 3 = 15, 15 × 12 = 27, 27 × 27 = 43, 43 + 15 = 58, तो एम का वैल्यू 58, ठीक है। तो अभी तो विलयन का वास्तव हम लोग ज्ञात करना है, तो विलयन का वास्तव तो बाय फार्मूला तो पीनट माइनस पीएस बटा में क्या बन जाएगा, पीनट हो जाएगा, यहाँ छोटा डब्लू इंटू बड़ा एम, यहाँ बड़ा डब्लू इंटू छोटा एम, क्लियर है। तो देखिएगा पीनट कितना है बाबू, तो पीनट का जो हम लोग का वैल्यू है वो 292.2 है, 292.2 माइनस पीएस है और यहाँ 292.2 इक्वल छोटा डब्लू कितना है, तो 10 × 12 m, तो 12 m का वैल्यू कितना है 58 है, और नीचे 12 W कितना है, तो 12 W 75 × 75 × 125 छोटा है, क्लियर है। अब यहाँ पर हल किया जाए बाबू, तो कितना आ जाएगा 5 × 10 = 15 × 5 = 75, 292.2 माइनस पी एस बटा मिल 292 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, 292.2 हो जाएगा ना, और यहाँ जब हल करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 58 × 16 × 211, ठीक है, अरे 15 × का बन जाएगा हम लोग का 25, 15 × कितना बन जाएगा ये 25 हो जाएगा। ओके अब देखिएगा 292.2 माइनस यहाँ पी एस हो जाएगा, अब 292.2 इक्वल देखिए यहाँ जब भागा दिया जाएगा तो भागा देकर आप लोगों को बता रहे हैं बाबू कितना होगा, तो भागा देने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आएगा यानी 25
तो इसका जो आ जाएगा 116 बटा 25 15 पचे 75 और 15 दून 30 और 7 37 15 दून 30 और 7 कितना बन जाएगा 37 हो जाएगा। क्लियर है 15 दून 30 और 7 कितना बन जाएगा 37। अब देखिएगा तो इसका जब हल किया जाएगा यहाँ पर अब इसको मिटा रहे हैं, जब इसका भागा देंगे तो भागा देने के बाद हम लोग कितना आ जाएगा तो याद रखिए 116 में 375 से भाग देना है तो नहीं जाएगा दशमलव तो जीरो हो जाएगा। 3 3 6 तिथिरी के नौ एक मिनट तिथिरी के 3 5 15 के 5 और 3 7 21 22 और तिथिरी के 9 2 11 इसे मिला लिया जाए। ठीक है तिथिरी के 9 3 5 15 3 7 21 22 तिथिरी के 9 0.3 तो कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा 3 35 हो जाएगा ना। फिर दशमलव नहीं जाएगा एक बार और तो कितना हो जाएगा दो ही अंक लेकर चलिए है ना। अप्रोक्स मान लीजिए पूरा भागा देने के बाद हम लोग कितना वैल्यू आ जाएगा याद रखिए 292 माइनस पी एस बटा में 292.2 इक्वल 0.3। ठीक है अब गुना किया जाए 292 माइनस 292.2 माइनस पी एस हो जाएगा और गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 29 27 के साथ और याद देखिए 3 दूनी 6 और 2 8 कौन के बाद दशमलव दो अंक हो जाएगा ना। अब देखिएगा 292.2 माइनस 87 कितना आ गया 6 ना बराबर क्या बन जाएगा 30 घटाव आता है इसमें जीरो बना सकते हैं इसे तो कितना ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11 में से 6 गया 5 और ये हो जाएगा 11 में 7 गया 4 और ये हो गया 8 यहाँ 0 यहाँ। क्लियर है अच्छा से घटा लीजिएगा कि हम लोग का पी एस का वैल्यू हो गया किसका वैल्यू हो गया पी एस का तो विलियन का हम लोग का वास्तव कितना होता है। क्लियर है तो एक क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 हुआ। इस तरह से आप लोग का इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं आई होप आप बना सकते हैं। ओके आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिएगा बार बार गुणा भाग करिएगा आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे जैसे आप लोग को बताया जा रहा है वैसे वैसे आप लोग का करना है इस क्वेश्चन को पूरा करना है। ओके एक और क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे दे रहे हैं बनाने के लिए किसी विले का एक 8.35 ग्राम किसी भी लेकर 11.35 ग्राम सौ ग्राम विलायक 100 ग्राम विलायक में यहां दे दिया है विलायक का अणु भार अनुभार बराबर 74 विलायक में घुलाने पर वाष्प दाब 360 mm है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है
383 mm है, 383 mm है, तो रिले का अणु भार ज्ञात करें, तो रिले का अणु भार का कारण ज्ञात करना है। ओके, तब बोला है किसी रिले का, तो रिले दे दिया है, तो सोल्व किया जाए, तो सोल्व तो छोटा डब्ल्यू इक्वल कितना है 11.35 ग्राम, बिलाई कितना है 12 W, तो 12 W हम लोग का 100 ग्राम है। अच्छा, विलाय का वास्तव दे दिया है पीनट, कितना है पीनट दिया है शुद्ध विलाय का 383 है, और जो ओ वाला वास्तव जब हो जाएगा तो पीएस हो जाएगा, आम बात है, तो 300 कितना है 60 mm है, कंफर्म हो गया। 12 mm दे दिया है, विलाय का अणुभार कितना है 74 है 12 mm, तो विलय का अणुभार छोटा एम ज्ञात करना है। बाई का लिखेंगे फॉर्मूला, भाई तो फॉर्मूला में पीनट माइनस का बन जाता है पीएस इक्वल पीनट इक्वल छोटा डब्ल्यू इंटू 12 mm बटा में 12 W इंटू छोटा एम, तो पीनट का वैल्यू 383 माइनस 360 बटा में 383 इक्वल छोटा डब्ल्यू कितना है 11.35, 12 mm 74 है, और यहाँ देखो 12 W 100 हो जाएगा, और छोटा एम हम लोग को निकालना है, एक हटाइएगा तो ऊपर 23 बटा 383 इक्वल एक गुणा करिएगा 11.35 गुने दशमलव हटा दी, 11.35 गुने 74 बटा में 100 गुने एम, आप लोग गुणा भाग करिएगा, गुणा भाग करने के बाद इसका जो आंसर दिया हुआ है लगभग इसका आंसर आप लोग हल कर लीजिए कैलकुलेशन को, 140.40 ये आपका आंसर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये जो पॉइंट था जो इस रावट के वास्तव के अपेक्षित कोण पर आधारित जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल को आपको का करके बता दिए हैं, और कल से हम लोग पढ़ेंगे, कल का दो टॉपिक रहेगा या तीन टॉपिक भी बता सकते हैं, कल पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का उन्नयन, एक तो कंपल्सरी ही कल दोनों ही बताएंगे। ठीक है, अगर कल की क्लास या अगर प्रश्न का भी बता सकते लेकिन कल नहीं तो परसों खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का विलियम चैप्टर है, और आप लोग को धीरे धीरे चैप्टर समाप्ति की ओर जा रहा है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को बढ़ाने में आप लोग का सहयोग चाहिए, और मैं इसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।